बहुत से लोग सोचेंगे अरे क्या बता रही है, क्या शर्ट पे प्रेस करना नहीं आता क्या किसी को? नहीं आता भैया, नहीं आता, हर किसी को नहीं आता। मेरे जो हस्बैंड है ना, मेरा बच्चा है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसलिए कह रही हूँ बहुत से लोगों को नहीं आता। बस ऐसे कीजिए और देखिए हो गई है शर्ट तैयार। मैं हैंडल करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हो गई ना। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? देखिए आज मैं आपको शर्ट पर कैसे प्रेस करते हैं वो सिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले आपकी जो शर्ट होती है वो बिल्कुल साफ धुली होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपकी शर्ट पर किसी भी कपड़े पर हल्का सा भी मैल होता है ना, तो वो प्रेस से जम जाता है और फिर वो कभी भी साफ नहीं होता है। तो हम ठीक है, देखिए ये बिल्कुल साफ शर्ट है जो मैंने धुली है ना। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो स्लीव्स होती है ना हमारी, उसको करते हैं। और कैसे करते हैं देखिए, जो शोल्डर वाली होती है ना, ये पट्टी है ना, ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है शोल्डर वाली पट्टी को, इसको इसको नहीं पकड़ते। बहुत से लोग इसको पकड़ के करते हैं, ये गलत है ना। ये देखिए ऐसे साइड से लेके ये वाली जो नीचे बगल वाला जो होते हैं ना पट्टी, इसको बीच में लेते हैं और देखिए ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं और ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, दोनों साइड से पलट पलट ऐसे किया, फिर ऐसे। ठीक है, ये देखिए स्लीव्स पर हो गए। अब आगे बताती हूँ, अभी पर ठीक है। अब देखिए जैसे एक शर्ट स्लीव्स पे की थी, ऐसे अब हमने दूसरी स्लीव्स पर भी कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं कॉलर। कॉलर को पकड़ते हैं और उस पर ऐसे बिल्कुल अच्छे से जमा कर, इसको जब हम फोल्ड करेंगे लास्ट टाइम, जब लास्ट वाला हमारा चलेगा ना, आखिर में इसको हम फोल्ड करते हैं, शुरू में नहीं फोल्ड करते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ये जो शर्ट के पीछे वाला जो भाग होता है ना इसको, ठीक है, इसको हम प्रेस कर देते हैं। देखिए इतने अच्छे से है ना, ये हो गया। अब हमारे स्लीव्स हो गए हैं, कॉलर हो गया है, बैक साइड हो गई है, और अब हम करते हैं ये जो सामने वाला जो भाग होता है शर्ट का, ठीक है, इसको अच्छे से खोल के रखो आप अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल कोई सल नहीं होना चाहिए, आराम से बहुत प्यार के साथ है ना। कहते हैं कोई भी चीज़ करो प्यार के साथ करो, खाना बनाओ तो प्यार के साथ बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है, और प्रेस भी करो तो बड़े प्यार से बड़े ध्यान से, तो बहुत अच्छा प्रेस होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये वाला भाग हमने किया, ऐसे ये वाला करेंगे, ऐसे ये वाला करेंगे। अगर आपको हैंगरी करनी थी तो बस ऐसे ही जैसे प्रेस कर किया था आपने और साथ के साथ हैंगर कर देना था, लेकिन अगर ऐसे फोल्ड करनी है तो देखिए, और बटन ना सारे बटन लगाना कोई जरूरी नहीं होता है, एक एक लगा के दूसरा छोड़ दो, एक लगा के दूसरा, क्योंकि पहनना ही तो है, तो इसलिए देखो कितनी अच्छी प्रेस हो गई। बस ऐसे ही बहुत से लोग सोचेंगे अरे क्या बता रही है, क्या शर्ट पे प्रेस करना नहीं आता क्या किसी को? नहीं आता भैया, नहीं आता, हर किसी को नहीं आता। मेरे जो हस्बैंड है ना, मेरा बच्चा है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसलिए कह रही हूँ बहुत से लोगों को नहीं आता। बस ऐसे कीजिए और देखिए हो गई है शर्ट तैयार। मैं हैंडल करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हो गई ना। थैंक यू सो मच।